हाय गाइस, अभी आप देख सकते हो मैं जैसे ही अपने काली लिनक्स मशीन में जब भी पिच डाउन पे जब या फिर होम एंड बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ABCD लिखा जाता है, जबकि ऑटो कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पर दूसरी कमांड आनी चाहिए, या फिर आप इसी को बोलते हो अप डाउन या फिर लेफ्ट राइट एरो जो भी बोलते हो। देखो जैसे जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर ना लिखा करके ऑटो कंप्लीट होकर के दूसरी कमांड आ करके बल्कि ABCD लिखा जा रहा था। इसी को हम फिक्स करना बताएंगे आज के इस वीडियो में। इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपल से करना क्या पड़ेगा, कोई कमांड नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर sudo sudo apt hyphen git, उसके बाद यहाँ पर आपको dist लिखना है, इसके बाद यहाँ पर आपको hyphen लिखना है, एंड देन यहाँ पर आपको अपग्रेड कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अब इस कमांड से बेसिकली होता क्या है, जब आप अपने पैकेजेस को अपग्रेडेड कर लेते हो, जस्ट लाइक यहाँ पर sudo apt hyphen git update कमांड यूज करते हो तो यहाँ पर वो पैकेजेस अपडेट हो जाते हैं, लेकिन उसका डिपेंडेंसी को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन ये कमांड उसका डिपेंडेंसी को हैंडल कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पुराने पैकेजेस यहाँ पर होते हैं उसको रिमूव भी कर देता है और लेटेस्ट वाले पैकेजेस में इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपडेट कमांड ऐसा नहीं करता। तो अगर ये कमांड जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल से इसको एंटर करना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड डाल करके इसको कंप्लीट कर लेना है। आप जब करोगे तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मैंने कर लिया और मेरा फिक्स भी हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं कोई कमांड रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑटो कम्प्लीट अप डाउन एरो काम करने लगा है, लेकिन मेरा पहले नहीं काम कर रहा था तो इसलिए मैंने आपको सोचा बता दो। अब यहाँ पर इतना काम करने के बाद भी कम्प्लीट नहीं हुआ, इस मशीन को आपको बंद करना पड़ेगा। सिंपल इस मशीन को बंद कर दीजिए, इसके बाद मशीन जैसे बंद हो जाएगी इसके बाद इसको दोबारा से इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट पर क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर बूट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम सिंपल से एंटर करेंगे, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लेटेस्ट वाला शो करने लगा, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक टाइप में, जो कि पहले ब्लैक टाइप में नहीं आ रहा था, मैं ओपन कर रहा था। तो इसके बाद गाइस अब यहाँ पर आप कमांड रन करोगे तो यहाँ पर जहाँ तक आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, अगर इससे रिलेटेड होगी तो यहाँ पर आपको सिंपल से पासवर्ड डालना पड़ेगा, यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा इसके इसके बाद यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू टैब ओपन करना है, इसके बाद जैसे आप न्यू टैब ओपन करोगे और यहाँ पर कोई कमांड रन करोगे तो यहाँ पर एक काम करने लगेगा। तो इस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।